माना है तो स्वामी विवेकानंद को माना है, क्योंकि उन्होंने जो कहा वही जीवन जिया। इसलिए आपसे भी यही निवेदन है कि महापुरुषों ने जो हमें रास्ता दिखाया उस पर चले, और जो इस प्रथम पंक्ति में जो मेरे साथी बैठे हैं, जब आप इनको फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर से आप कामयाब होंगे। क्योंकि आप अगर यहां बैठे हैं तो यहां पर 40 छात्राएं बैठी हैं, आप बता ये नहीं मान के चलो क्या आप करेंगे। आपके साथ आपके माता पिता की, आपके परिवार की आशाएं आकांक्षाएं गुरुजनों का विश्वास बैठा है, आप अकेले नहीं हैं। तो एक स्टोरी आपको सुनाता हूं, और वो स्टोरी हो सके तो आपके बहुत काम आएगी। इन 7 दिनों में आप लोगों ने काफी काम किया है, ये काबिले तारीफ है, और इस काम में नूतन जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि स्कूल को साफ सुथरा रखने में, व्यवस्थित करने में आपके प्रयास और आपके साथ ये जो वॉलेंटियर्स थे उसमें आप काफी योगदान देने में सक्षम हुए स्कूल के लिए, तो इसका मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा NSS जो आपको एक मैसेज देता है 6-7 दिन में कैंप लगाना, ये एक फॉर्मेलिटी नहीं होती है, ये आपके अंदर उन गुणों को जीवन भर समेटे रखने के लिए लगाया जाता है, जिन गुणों से समाज को एक दिशा दी जा सकती है, जिन गुणों से समाज का मार्गदर्शन किया जा सकता है, और जिन गुणों से समाज को संपन्न, समृद्ध और खुशहाल रखा जा सकता है। और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों ने सीखी होगी, और सबसे बड़ा उसमें जो सीखने की जरूरत है, दैट इज टू रिस्पेक्ट ईच अदर, एक दूसरे की क्षमताओं की, एक दूसरे के मत का आदर करना। ओपिनियन वेरी, कैपेसिटीज वेरी, फिजिकल अपीयरेंस वेरी, वी हैव टू चेंज अवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू प्लेस, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, बट डोंट डिसरिस्पेक्ट एनीवन, किसी की भी हमें अनादर नहीं करना चाहिए। इसलिए अनादर नहीं करना चाहिए कि वो छोटा है, इसलिए अनादर नहीं करना चाहिए कि वो सुंदर नहीं है, इसलिए अनादर नहीं करना चाहिए कि उसको आता जाता कुछ नहीं है। नो, एवरीवन हैज इट्स ऑन पोटेंशियलिटीज, एंड दीज पोटेंशियलिटीज कैन बी एक्सप्लॉयटेड एट एप्रोप्रिएट टाइम। मैं ज्यादा ना कहता हुआ एक बार फिर से सफल आयोजन के लिए आप सब लोगों को मुबारक देता हूं, और धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतने व्यवस्थित तरीके से, सुंदर तरीके से सब लोगों को साथ लेकर इसका आयोजन किया। इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। थैंक यू। First day of special camp, we decorated our hall for inaugural ceremony. Our chief guest was Balyani sir. We started the program with Saraswati Vandana and invited our honorable chief guest Balyani sir for lighting lamp. Our NSS in charge, Nutan ma'am, presented a plant to
Balyani sir, then Newton man delivered a beautiful lecture about NSS and told us the meaning and importance of NSS. Balyani sir told us many good things and inspired us to do good for society. At the end of the day, our NSS volunteers divided into four groups. They were Akshay Patra, Mary Kom, Sarojini Naidu and Karmath group. Through this campaign, we learn discipline, caring, sharing, interact with each other. Ultimately, we thank our program officer for making this campaign memorable. Thank you. 7 days का कैंप जो हमने 4 तारीख से हमने शुरू किया था, आज समापन कर रहे हैं. कैंप शुरू होने से बहुत देर पहले मेरे मन में बहुत सारी चिंता भी थी, टेंशन भी थी कि कैसे होगा. पर आप सब के, मेरे कलीग्स के, प्रिंसिपल सर के और तुम बच्चों के सहयोग से ये किस तरह से आज सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है, मुझे पता भी नहीं चला कि कब स्टार्ट हुआ और कब आज फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गया है. इसके लिए सबका मैं धन्यवाद करती हूँ. प्रिंसिपल सर तो यहाँ फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, पर फिर भी ये हमारे कैंप के बारे में चिंतित थे और टाइम टू टाइम जो है वो उनसे बात भी करते रहते थे और मॉरल सपोर्ट जो थी वो हमें इनकी तरफ से टाइम टू टाइम मिलती रही. तो मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ. और रही बात मेरे कलीग्स की, तो मेरे कलीग्स में ऐसे शायद कोई भी ऐसा कलीग नहीं था कि जिसने मुझे इस कैंप को सक्सेसफुल बनाने के लिए मुझे सपोर्ट नहीं किया. हर एक मेल फीमेल सब टीचर्स ने मुझे फुली सपोर्ट किया कि टेंशन नहीं लेनी है, पूरी तरह से ये कैंप अच्छा चलेगा. और सच भी हुआ, ठीक ठाक ये कैंप जो है सबके सहयोग से आज फिर से मेमोरियों की कंप्लीट हो गया है. मैं इसको पूरी तरह से जो है वो विकास सर के और राकेश सर के सहयोग से चली, वो फुली डेडिकेटेड थे मैथ्स के लिए और बच्चों के साथ हर टाइम लगे रहते थे. तो फिर मुझे मैथ्स की तरफ से हम लोग एक तरह से फ्री थे, चिंता की जरूरत नहीं थी. और बच्चों की बात है तो बच्चों ने पूरी तरह से, तुम बच्चों ने मुझे पूरा सहयोग दिया. पहले थोड़ी टेंशन भी थी क्योंकि बच्चे नॉटी होते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं था. शरारत अपनी जगह है, तुम लोग सारे डिसिप्लिन में रहे और किसी तरह की मुझे परेशानी नहीं हुई. तो मैं तुम्हारा भी थैंक्स करती हूँ. लास्ट में थोड़े से शब्दों में मैं अपने मन की भावनाएं व्यक्त करती हूँ. मुझे एक प्यारा परिवार मिला, चंद दिनों में पक्के रिश्तों का उपहार मिला, उम्मीद से बढ़कर सभी साथियों का साथ मिला, अपने बच्चों से बढ़कर तुम बच्चों का प्यार मिला, NSS में अपनों सा प्यार मिला, मुझे सचमुच एक प्यारा परिवार मिला. धन्यवाद. Oh,
Thank you.